रास्ते में सो रहे तो निकलेगा कोई कहाँ से। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों इस टाइम हूँ मैं ट्रेन में और हमारी जो ट्रेन है वो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। तो हम ट्रेन से केरला जा रहे हैं। हमारा जो ये सफर है 2 दिन और 2 रात का रहेगा। टिकट नहीं हो पाई इस वजह से जनरल में सफर करना पड़ रहा है, तो ज्यादा भीड़ है और मुझे सीट तो मिल गई है, सीट तो मिल गई लेकिन थोड़ी भीड़ है। तो हमारी जो ट्रेन है वो चलने वाली है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली है और मैं नीचे से ऊपर आ गया हूँ। ये देखो कैसे कैसे लेटे हुए हैं। ऊपर ही वीडियो बना रहा है। कोटा आ गया, कोटा राजस्थान का कोटा स्टेशन। 4 घंटे बाद ट्रेन रुकी है यहाँ। भीड़ बहुत है भाई, उतरने वाला कोई नहीं है, यहाँ पे चढ़ने वाले हैं। कोटा के बाद 3.5 घंटे बाद ट्रेन रुकेगी। जिसको जो खाने पीने का लेना है ले लो। भीड़ आ रही, भीड़। दोस्तों मैं तो ऊपर की तरफ लेट गया हूँ, लंबा सफर है और भीड़ भी बहुत है। कैप मैंने अपनी यहाँ पे टांग दी। सभी अब लेटने की कोशिश कर रहे हैं। इनको देखो, ये देखो कैसे लेट गए और ये नीचे की तरफ सब कमर सीधी करने पे लगे हुए हैं। ओ भाई इधर देखो कैसे लेटे हुए हैं, पैर रखने तक की जगह नहीं है, कोई कैसे निकल के जाएगा। बस ये मुल्ला जी बैठे हुए हैं नीचे ही लेट गए ये तो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, देख सकते हो ये हमारे दो भाई ये चाय पी रहे हैं। हरी मिर्च चाय में भी हरी मिर्च मिली है क्या? चाय में हरी मिर्च आ रही है, देख रहा हूँ दोस्तों, इनकी चाय में भी हरी मिर्च निकल रही है। ये वीडियो बनाने पर लग रहा है जंदर दे ले। ये इधर वाले तो अभी भी सो रहे हैं, उठे ही नहीं। गुड मॉर्निंग हो गया भाई, गुड मॉर्निंग, उठ जा। हरी मिर्च खाता है, गुड मॉर्निंग। ये तो अभी सो ही रहा है तो उठा ही नहीं यार। जल्दी ट्रेन ऊपर, नींद तो सबको आ रही लेकिन सो कोई नहीं पा रहा। सिर्फ ये भाई ये सो क्या है, इसने अपनी नींद पूरी करी है। भाई नींद सबको आ रही है, कहीं भी नहीं सोए बड़े भाई। ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये सो क्या है, ये देखो चेहरे से पता चल रहा है ये सो क्या है। बड़े पोहा खड़े हो गए, बड़ा पोहा बड़ा पोहा, सोते सोते ने बड़ा पोहा खा लिया इसने। पनवेल आ गया, मुंबई का पनवेल। वड़ा पाव मुंबई का बहुत फेमस है, वड़ा पाव चाय बिक रही है। चलो बाहर को निकल के देखते हैं क्या बिक रहा है और क्या मिलता है। दोस्तों हमारी जो ट्रेन है अभी मुंबई के पनवेल रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है। ये मुंबई का ही स्टेशन है, ये हमारी ट्रेन खड़ी है यहाँ पे। दोस्तों ये है मुंबई की लोकल ट्रेन जिसको मुंबई की लाइफ लाइन कहा जाता है। इसके बिना तो मुंबई भी अधूरी है ऐसा बोला जाता है। कितना का है वड़ा पाव? गरम मिलेगा बोलो। कितना? 30 रुपए दो बड़ा दो पाव। 30 रुपए का दो बड़ा दो पाव। कितना एक प्लेट? बोलो भाई समोसा गरम गरम, ये 20 का दो खा लो गरम गरम समोसा। समोसा समोसा ले, नाश्ता ही समोसा लिया। ये चाय चाय वड़ा पाव कैसा है? अच्छा है, मुंबई का वड़ा पाव एकदम मस्त है। बाय बाय। तो दोस्तों मुंबई से निकल चुकी है ट्रेन। इस ट्रेन के बहुत लंबे लंबे स्टॉप है, 4 घंटे। अगला जो स्टॉप है वो रत्नागिरी का है जो करीब 7 घंटे बाद आएगा। जी हाँ दोस्तों ये पहाड़ी एरिया में ट्रेन चल रही है, इसमें लंबी लंबी सुरंग है जिनके अंदर से ट्रेन निकलती है। ये देखो सुरंग आ गई, सुरंग ये घुस गई सुरंग के अंदर। दोस्तों सुरंग के अंदर ट्रेन चल रही है जैसा आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों बहुत ही लंबी सुरंग थी और इस तरह की जो सुरंगें हैं केरला तक बहुत सारी आएगी, और ऐसी ऐसी सुरंग भी है जिसमें आधा आधा घंटा ट्रेन दौड़ती रहती है। हेलो दोस्तों, केरला शुरू हो चुका है और हम इस टाइम ट्रेन में हैं। नारियल वारियल के पेड़ है, ये यार त्रिशूल। हाँ ये सो दोस्तों हमारा स्टेशन आ गया है त्रिशूल और यहाँ से हमें दूसरी ट्रेन पकड़नी है, और दूसरी ट्रेन पकड़ के हमें यहाँ से आगे की तरफ जाना है। तो फाइनली दोस्तों 48 घंटे का सफ़र करने के बाद
हम केरला पहुंच चुके हैं और जिस स्टेशन पर मैं हूं अभी ये पलक्काड़ रेलवे स्टेशन है। जैसा आप पीछे की तरफ देख रहे होंगे पलक्काड़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को पार करते हुए फाइनली ट्रेन जो है वो केरला में एंटर हो गई थी और मैं इस टाइम पलक्काड़ के रेलवे स्टेशन पर, ये पलक्काड़ का रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों 48 घंटे का यह हमारा सफ़र रहा है और बहुत ही दुख भरा सफ़र रहा है, क्योंकि ट्रेन में इतना लंबा सफ़र करना बहुत ही मुश्किल रहता है और क्योंकि टिकट कंफर्म नहीं होने की वजह से जनरल में सफ़र करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं अगली वीडियो में आपको अच्छे से अच्छे वो लोग दिखाने की कोशिश करूँगा। तो करता हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड, फिर होगी किसी दूसरी वीडियो मुलाकात। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।